नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल है ड्रॉइंग एक्सप्रेशंस ऑफ आइज। दोस्तों, पहले स्टेप में हम दो लाइन्स को ड्रॉ करेंगे और उनके ऊपर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल के साथ हम यहाँ पे आइज की आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आंखों की आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। फिर ड्राइंग को हल्का से सही करते हुए ऊपर से आईलेट को बनाएंगे। आईलेट के बाद हम अपने अगले प्रोसेस आईब्रो की ओर बढ़ेंगे। इस स्टेप में हम लोग आईब्रो के एरिया को कंपोज करते हुए यहाँ पर मैंने आईब्रो की आउटलाइन बना ली है। आप ध्यान से देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों, फिर आंखों की हम तिरछी देखने वाली पोजीशन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जब हम तिरछा देखते हैं, उस मुद्रा को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी मैंने तीन लाइन खींच ली है। पहली लाइन में मैंने आईब्रो के लिए लाइन खींची है, दूसरी लाइन में मैंने यहाँ पे आईलेट को बनाया है, पुतली को बनाया है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। वीडियो में ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे जो तिरछे देखते हुए जो मुद्रा दिखाई है, यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि जब भी हम तिरछा देखते हैं तो हमारी जो पुतलियाँ होती हैं वो तिरछी तरफ होते हुए एक दिशा में होती हैं। और यहाँ पे भी हमें वही करना है। इसमें भी हमें वही नियम अपनाना है कि जब भी हम यहाँ पे ड्राइंग करें, आंखों को तिरछा देखते हुए मुद्रा दिखाएं, तो तिरछी मुद्रा में पुतलियों को दिखाएं एक ही दिशा में देखते हुए। अगर हम सामने देख रहे हैं तो हमारी दोनों आंखों की पुतलियां सामने की ओर रहेंगी। अगर हम तिरछा देख रहे हैं तो दोनों आंख तिरछी रहेंगी एक पोजीशन में। अब यहां पर ये ड्राइंग हो गई है लगभग। अब हम यहाँ पे दूसरे पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करते हुए यहाँ पर दूसरे मुद्रा की ड्राइंग करेंगे, जो हमारे आई लेवल के थोड़ा सा नीचे होगी ये ड्राइंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम जिन जिन अवस्था में अपनी आंखों से देखते हैं, जिन जिन मुद्राओं से हम अपनी आंखों से देखते हैं, वहाँ वहाँ हर तरह की ड्राइंग मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ध्यान से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आइज की ड्राइंग में पर्सपेक्टिव मस्ट होता है। पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए ही ड्राइंग करनी चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं पर्सपेक्टिव को साथ लेकर चल रही हूँ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हुए। यहाँ पर हर जगह मैंने यहाँ पे आंखों की ड्राइंग की है। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं या ध्यान की मुद्रा में होता है, यहाँ पे मैंने उस चीज को लेकर ड्राइंग की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट एक्सप्रेशंस में ड्राइंग करके दिखाया है आपको। आप वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट तरीके की डायरेक्शंस में मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये कहावत है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो हमारी भावनाओं को प्रेजेंट करने करती हैं। हमारी आंखें जो होती हैं वो हमारे इमोशंस को बयां करती हैं। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट इमोशंस को लेकर भी यहाँ पर मैंने जो
आंखों में जो हमारे इमोशंस दिखते हैं उसको भी लेके हमने चित्रित किया है अपनी इस वीडियो में आंखों को। कहीं कहीं आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपर देखते हुए, नीचे देखते हुए, सामने देखते हुए आंखों की विभिन्न मुद्राओं को मैंने यहाँ पे चित्रित किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको एक नियम आंख की ड्राइंग का ध्यान से सुनिएगा बताना चाहूंगी कि आयत की जो दूसरी क्षैतिज रेखा पर आंखों को बनाते हैं और रेखा से जो नीचे पुतली का थोड़ा सा भाग होता है, यानी जो हम लोग बनाते हैं आइस और लाइन खींच कर जब हम आइस को बनाते हैं तो लाइन से जो नीचे जो आंखों को बनाते हैं वो हिस्सा थोड़ा सा नीचे की ओर पुतली का होता है और उससे थोड़ा सा नीचे हिस्सा पलक का होता है जहाँ पे हम पलक को बनाते हैं। लाइंस के ऊपर हम लोग आंखों की पुतली को बनाते हैं यानी लेंस को बनाते हैं और जब लाइन के ऊपर जब पुतली बनती है आंख की तो ऊपर की पलक बनती है ऊपर पुतली के हिस्से के ऊपर। फिर उसके बाद भौहों को भी बनाते हैं। दोस्तों आंखों की जो ऊपरी पलक होती है वो हमेशा मोटी होती है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आंखों की जो ऊपरी पलक होती है वो निचली पलक से मोटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आंखों को शेड करना शुरू किया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि मैं पुतली को कैसे शेड कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ मुझे डार्कनेस चाहिए वहां पर मैंने डार्क करके हल्का हल्का, जहाँ पे लाइट चाहिए वहां से मैंने हल्का सा डार्क शेडिंग करते हुए उसी पर से शेडिंग को ब्लेंड करते हुए ईयरबड से फैला दिया है। हर ड्राइंग में आपको ब्लेंडिंग करते रहना है, शेडिंग को मिक्स करते रहना है जिससे आंखें और रियलिस्टिक नजर आए। आंखों के बेस एरिया को भी ध्यान से शेड करते रहें। आईलिड को भी देखिए मैं यहाँ पे कैसे शेड कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे शेडिंग को मिक्स किया है और जहाँ मुझे लाइटनेस चाहिए वहाँ मैंने रबड़ से भी हल्का हल्का लाइट कर दिया है। जहाँ आपको ज़्यादा लाइटनेस चाहिए वहाँ आप रबड़ से मिटार कर हल्का सा लाइट कर सकते हैं। दोस्तों इस नियम को हमें अपनी हर ड्राइंग में आइज की अपनाना होगा और इन्हीं नियम को फॉलो करते हुए हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे।
दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लगभग 2 ड्राइंग्स अपनी शेड कर ली हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले आप देख रहे हैं जो सामने वाली आंख है, सामने देखते हुए जो आंखों की मुद्रा, इसको मैंने शेड करना शुरू किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे मैंने पुतली से शुरुआत की है। पुतलियों में पहले मैंने हल्का सा शेड किया है और फिर जो अंदर की जो लेंस है, लेंस का छोटा भाग है, उसको मैंने सबसे डार्क शेड किया है। और जहाँ मुझे ज़्यादा डार्कनेस दिखानी है वहाँ वहाँ मैंने डेप्थ दिखाते हुए शेडिंग कर दी है। आंखों पे रोशनी को दिखाने के लिए मैंने अपना हिस्सा सफेद छोड़ रखा है जहां मुझे लाइट दिखाना है। और आई बॉल में डिटेलिंग भी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देखते हैं, रियलिस्टिक जो डिटेलिंग होती है हमारी आंखों की, जो वास्तविक डिटेलिंग होती है, वो मैंने इसमें प्रेजेंट की है। जहाँ जहाँ डार्क दिखाना है वहाँ वहाँ मैंने डार्क किया है। जहाँ लाइट है वहाँ पर मैंने लाइट को छोड़ रखा है। और जहाँ ज़्यादा लाइट चाहिए वहाँ आप इरेजर से हल्का सा मिटार कर लाइट को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जो आंखों का सफ़ेद हिस्सा होता है मैंने उसको हल्का हल्का शेड कर लिया है। आंखों के निचले हिस्से को हल्का हल्का डार्क शेड करते हुए उसे ब्लेंड करते चलेंगे। दोस्तों जहाँ पे लाइटनेस चाहिए वहाँ मैंने, हर बार मैं इस वीडियो में बीच बीच में बता रही हूँ कि जहाँ आपको लाइटनेस चाहिए, लाइट चाहिए आपको, लाइट को प्रेजेंट करना है, वहाँ वहाँ आप हल्की शेडिंग कर सकते हैं। और या तो उतना हिस्सा आप सफ़ेद छोड़ सकते हैं और इरेजर से भी मिटार कर लाइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आई बैग को और आईलिड को यहाँ पर शेड करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईलिड का हमेशा जो होता है ऊपर का हिस्सा हल्का सा डार्क होता है, जिसको मैंने डार्क दिखाया है शेडो के लिए। फिर आईब्रो वाले हिस्से पे हल्की सी शेडिंग की है, लाइट शेडिंग, ताकि वहाँ पर आईब्रो को कंपोज किया जा सके अच्छे से और रियलिस्टिक लुक देने के लिए। यहाँ पर मैंने आईब्रो के हल्के हल्के बाल दिखाए हैं यहाँ पे, जो हल्के हल्के बाल होते हैं, फिर उसको मैंने मिक्स किया है शेडिंग को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आईलेशेस बनाएंगे, आंखों की पलके बनाएंगे, और आंखों की पलके मोटी होती हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो आंखों की पलके होती हैं आंखों में, वो ऊपर की पलक मोटी होती है नीचे की पलकों के कंपैरिजन। दोस्तों ध्यान से फिर से मेरे इस स्टेटमेंट को सुनिए कि जो नीचे की पलके होती हैं वो ऊपर की जो पलके होती हैं उनके मुकाबले पतली होती हैं, उनकी तुलना में पतली होती हैं। और जो ऊपर की पलके होती हैं आँखों की, वो नीचे की पलकों की तुलना में मोटी होती हैं। यहाँ पे आप दूसरी आँख में भी आप देख रहे हैं सेम मैं प्रोसेस अपनाती हुई चल रही हूँ। सेम कलरिंग और एंड शेडिंग प्रोसेस मैंने यहाँ पे अपनाया है। दोस्तों ईयरबड से मैं ब्लेंड भी करती हुई चल रही हूँ। दोस्तों अगर ईयरबड आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो पेपर स्टम्प या रुई या कॉटन या टिश्यू पेपर, कुछ भी आप एज अ ब्लेंडिंग या मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग को साथ ही मिक्स करते चलिए।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुतलियाँ जब बनाई मैंने तो यहाँ पर जो आईलेट जो होती है और पलके होती हैं ऊपर की, उसकी छाया जो होती है आईलेंस में पड़ती है, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा आईलेंस का मैंने डार्क दिखाया है। दोस्तों जहाँ जहाँ मुझको आईज में डेप्थ दिखाना है वहाँ वहाँ मैंने डेप्थ को दिखाया है। आप इस स्टेप में ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों आईब्रो को आप ध्यान से देखिए मैं कैसे शेड कर रही हूँ, कैसे मैंने हेयर टेक्सचर्स इसमें दिखाए हैं, आंखों में यहाँ पर मैंने कैसे डिटेलिंग की है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैं यहाँ एक मुद्रा जो होती है कि जब मैं हम लोग आंखों से नीचे देखते हैं, उस मुद्रा को भी मैंने यहाँ पे शेड करना शुरू कर दिया है। मैं कैसे शेड कर रही हूँ इसको ध्यान से देखिए, डेप्थ का भी ध्यान रख रही हूँ मैं, डेप्थ के नियमों का भी पालन करते हुए चल रही हूँ, साथ ही में शेडिंग को मिक्स भी कर रही हूँ, ब्लेंड भी कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप। ये देखिए ध्यान से देखिए इसमें मैंने कैसे डिटेलिंग की है, कैसे शेडिंग की है।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सारे इमोशंस को, आइस के जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी पोजीशंस होते हैं, मैंने उसको कैसे शेड किया है, कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है, आईब्रो को कैसे रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे डर की मुद्रा को भी मैंने कैसे चित्रित किया है, कैसे ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक चीज़ होती है, जब हम विस्मित होते हैं या किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, तो हमारी आंखों की उस वक्त क्या पोजीशन होती है आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं। इस ड्राइंग में ध्यान से देखिए कि जब हमारी आंखों की मुद्रा कैसी होती है जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ को देख के अचानक से। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब हम किसी चीज़ को देख के डरते हैं, तब हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, और जो हमारी आंखों का सफ़ेद हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइए, और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपको इससे और अच्छे वीडियोस आगे आपके लिए लाती रहूं। तो देखिए अब हमारी ये ड्राइंग तैयार है। देखिए ध्यान से हर मुद्रा को देखिए कि आईज कैसी लग रही है, आईज की ड्राइंग्स। प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।